हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सोनिया। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी यात्रा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं या फो, फो होता है दुश्मन, या हमारे दुश्मन होते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या क्या होते हैं, स्टार्ट करें। You have seen several kinds of plants and animals. यानी आपने काफी different type के आपने plants भी देखे हैं और animals भी देखे हैं। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. लेकिन plants और animals के से अलग भी ऐसे कुछ कुछ living organism ऐसे हैं हमारे चारों तरफ जिनको हम नहीं देख सकते। These आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। और उनको हम क्या कहते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्या बोलते हैं हम उनको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब रेनिंग सीजन होता है, जब बरसात का मौसम होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्रेड होती है ना वो मॉइस्ट हो जाती है और उसमें उसका जो सरफेस होता है उसमें थोड़े येलो वो सॉरी ग्रे ग्रे से कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। थोड़े थोड़े देखे होंगे ना आपने, ग्रे ग्रे से भी दिखते हैं, वो थोड़ा हल्का सा ग्रीनिश भी कलर आता है उसमें। तो वो क्या होती है, ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो आपको जो छोटे छोटे ग्रे ग्रे से कलर के जो धब्बे धब्बे से पड़ जाते हैं उनको ऑब्जर्व करना है एक मैग्नीफाइंग ग्लास में, या फिर तो आपको क्या मिलेगा, यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ही आप उसको किसी माइक्रोस्कोप के थ्रू या फिर किसी और अदर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू आप उसको ऑब्जर्व करते हो, आपको दिखाई देंगे कुछ छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको। तो डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो क्या आप जानते हो कि ये स्ट्रक्चर्स है क्या और ये आई कहाँ से है? ठीक है, तो अब पता चलेगा ये आई कहाँ से है। फर्स्टली आपको बोला गया है, कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं आपको करने के लिए, कि फर्स्ट एक्टिविटी में है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड एड वाटर टू इट। ठीक है, आपको हल किसी नमी वाली मिट्टी लेनी है। ठीक है, एक मुट्ठी मिट्टी ले लीजिए, किसी एक बीकर में उसको भर लीजिए और उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देना है आपको। ऐड दी सॉइल पार्टिकल्स, सॉरी आफ्टर दी सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम दी बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और जैसे ही उसकी सॉइल के पार्टिकल्स नीचे आराम से बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है उस वाटर की, जिस वाटर में आपने सोयल को ऐड किया है उसका थोड़ा सा एक ड्रॉप लेकर बीकर से आपको माइक्रोस्कोप में उसको चेक करना है। आपको दिखाई देगा कि छोटे छोटे कितने सारे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े होंगे। तो व्हाट डू यू सी, ठीक है, आपसे पूछा है आपको उस माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई दिया। तो सेकेंड एक्टिविटी क्या बोला है कि टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, आपको कुछ वाटर की थोड़ी ड्रॉप्स लेनी है, कहाँ से, फ्रॉम अ पॉन्ड। ओके, एंड स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब उस ड्रॉप को आपको एक ग्लास स्लाइड पर रख लेना है, उसको थोड़ा सा स्प्रेड करके, और फिर आपको उसको एक माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करना है। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपने ये एक्टिविटी की तो डू यू फाइंड जिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जब आपने ये एक्टिविटी की तो क्या आपको कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए इधर उधर घूमते हुए, मूविंग अराउंड। ओके, इधर उधर घूमते हुए। दीज ऑब्जर्वेशंस शो द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या कह रहा है कि ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन आई है इसने ये शो किया है कि वाटर होता है और सॉइल दोनों में ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
एंड दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, और कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे ही माइक्रोब्स होते हैं. ओके, यानी कि ये सारे ही माइक्रोब्स की कैटेगरी के होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. तो क्या दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इनसाइड दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम इनको अपनी नेकड आई से नहीं देख सकते, अनएडेड आई से हम इनको नहीं देख सकते. सम ऑफ दीज सच एज दी फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि कुछ उनमें से जैसे कि फंगस होती है, ठीक है, जिसको फंजाई बोलते हैं, तो जो ब्रेड पर ग्रो कर जाती है जो फंगस, उसको हम देख सकते हैं किसके थ्रू, कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, बाकी को किसी को भी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना हम नहीं देख सकते. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, और यही रीजन है कि हम इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, यानी कि इतने माइक्रो हैं वे इतने छोटे हैं, इतने स्मॉल है कि हम उनको अपनी नेकड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, अनएडेड आई से हम उनको नहीं देख सकते. नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो को जो है कैटेगराइज किया गया है, फोर मेजर ग्रुप्स होते हैं इसके. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. ओके, तो कितनी कैटेगरी में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हो, फोर कैटेगरी में, ठीक है. फर्स्ट इज द बैक्टीरिया, सेकंड इज द फंजाई, थर्ड इज द प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज द एल्गे. ओके, सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर, और उनने बोला हुआ है कि कुछ कॉमन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपको शो किए हुए हैं फिगर 2.1 से 2.4 तक. ओके, तो कितने टाइप के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हाँ, फोर टाइप के, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. ओके, याद रखना ये. वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने ही छोटे होते हैं कि हम उनको भी सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, उनको भी हम नेकड़ाई से नहीं देख सकते, बट वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं थोड़े से. तो क्या होता है कि दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड दी सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. वायरस होता क्या है, ठीक है, वायरस ना ही तो लिविंग बींग है और ना ही वो नॉन लिविंग है. ओके, उसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा जाता है. क्यों? क्योंकि जब वो बाहर एनवायरनमेंट में होता है तो वो नॉन लिविंग होता है. जैसे उसको कोई होस्ट मिल जाएगा अपनी मल्टीप्लीकेशन के लिए, वो किसी भी बॉडी में जाके वो क्या करने लगेगा, वो मल्टीप्लीकेशन करने लगेगा. वहाँ पे वो कैसे क्या फीचर शो करता है, वहाँ पे वो शो करता है कि वो लिविंग बींग की तरह फीचर शो करता है, ठीक है. बना किसका होता है, वो सिर्फ प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से, सिर्फ दो चीज से बना होता है. ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि हाउ दे रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड दी सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है. मैंने यही बताया आपको कि जब वो उसको कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म मिल जाता है तो उसकी सेल में जाके वो रिप्रोड्यूस करने लगता है, अपना मल्टीप्लीकेशन करने लगता है, विच में भी एक बैक्टीरियम, प्लांट और, ठीक है, और उसका होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, एक प्लांट भी हो सकता है और एक एनिमल भी हो सकता है. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन 2.5, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कॉप्स आर कोज्ड बाय वायरसेस. एलिमेंट्स क्या होता है, बीमारी. ओके, तो कौन कौन से कॉमन बीमारियां, जैसे कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और कप्स, ये किसकी वजह से होती है, ये वायरस की वजह से होती है. कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है और कफ, ठीक है. नेक्स्ट, सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है. तो वायरस के थ्रू थ्रू कौन सी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया एंड कफ एंड चिकन पॉक्स
एंड इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो, ठीक है, यानी ट्रिपल सी एंड आईपी किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। तो आप इसको ऐसे ऐसे याद रख सकते हो कि कोल्ड एंड चिकन पॉक्स और कफ, ठीक है, थ्री ट्रिपल सी से ये है कोल्ड कफ एंड चिकन पॉक्स एंड आई से इन्फ्लुएंजा एंड पी से पोलियो, ये पांचों किस के थ्रू होते हैं, एग्जांपल याद रखना आप, वायरस के थ्रू होते हैं। ओके, नेक्स्ट डिसीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोअन्स वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। जो प्रोटोजोआ से होते हैं वो कौन कौन सा है, डिसेंट्री एंड मलेरिया किसके थ्रू होते हैं, प्रोटोजोआ के, एंड टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस किसके थ्रू होता है, बैक्टीरियल डिसीज। तो टी टी ये किसके थ्रू होता है, बी, ओके, यानी कि बैक्टीरिया से क्या होता है, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, एंड डिसेंट्री एंड मलेरिया डीएम, ठीक है, डीएम, डिसेंट्री एंड मलेरिया किसके थ्रू होता है, डीएम। ओके, समझ आ रहा है ना आपको, हाँ, यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। तो आपसे बोल रहा है कि आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई होगा क्लास 6 में और 7 में। देखो ये दिए हुए हैं आपको फिगर 2.1 एंड 2.2 में, जब आपने वो एक्टिविटी की थी ना कि आपने सोइल ली थी थोड़ी सी और उसको फिर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू माइक्रोस्कोप के थ्रू आपने उसको चेक किया था, तो पहले तो आपको क्या दिखाई देता है कि उस मिट्टी में इस तरह के क्या पड़े हैं, बैक्टीरिया। एंड जब आप उसको और थोड़ा बड़ा करके देखते हो, साइज को और थोड़ा बड़ा करके देखते हो, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं कि कितने सारे बैक्टीरिया पड़े हैं उस थोड़ी सी मिट्टी में। ओके, ये सिर्फ एक ड्रॉप में बताए हैं आपको, सिर्फ एक ड्रॉप के हैं ये जितने भी है ना, वो जो हमने एक ड्रॉप ली थी उस एक ड्रॉप के हैं ये बस। तो आप सोचो कि जितनी मिट्टी हमने ली थी उस मिट्टी में कितने सारे बैक्टीरिया होंगे। देखो एल्गी, एल्गी में आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एल्गी के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, और ये प्रोटोजोआ के हैं, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है अमीबा एंड सेकेंड इज पैरामीशियम, एंड ये फंजाई के हैं कुछ एग्जाम्पल, फंजाई का है ब्रेड मोल्ड, देखो ये है वो जो हमारे मॉइस्ट ब्रेड पर जो लग जाती है ना ग्रेश ग्रेश कलर की, अगर आप उसको किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये दिखाई देगा ब्रेड मोल्ड। ओके, एंड कुछ फंजाई है पेनिसिलियम और एस्परजिलस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये देखो, ये वायरस है, ये किसका बना होता है, प्रोटीन एंड यहाँ होता है न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो देखो कहाँ, अब बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते तो हैं लेकिन ये रहते कहाँ पे हैं, ठीक। तो देखो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये रहते कहाँ हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गे एंड फंजाई, ठीक है। तो आपको ये बताया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू टाइप के होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर कौन कौन से होते हैं, जैसे एल्गे एंड प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल्ड। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर कौन कौन से होते हैं, जैसे एल्गी है एंड फंजाई है। ओके, तो आप याद रखना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर कौन कौन से होते हैं, एल्गे एंड प्रोटोजोआ, कुछ एल्गी होती हैं और प्रोटोजोअन्स होते हैं। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, यानी बाकी के जितने एल्गी हैं वो सारे मल्टी सेलुलर होंगे और फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स,
एंड डेजर्ट्स टू मार्शलैंड्स, ठीक है। तो यानी कि आप इनको एक वर्ड में बोल सकते हो ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि एवरीवेयर। तो कहाँ होते हैं ये? हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमें बताया गया है कि दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वे हर टाइप के एनवायरनमेंट में वे लिव कर सकते हैं, जैसे आइस कोल्ड क्लाइमेट से बिल्कुल हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन से, एंड बिल्कुल डेजर्ट से मार्शी लैंड्स तक वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। बाकी वे कहाँ और पा सकते हैं? वे एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं, और जैसे कि ह्यूमंस को भी इंक्लूड करके, ह्यूमंस के अंदर भी तो होते हैं भाई। आपको क्यों बोला जाता है कि जैसे ही आप बाहर से आते हो वैसे ही हैंड वॉश करो, ठीक है, हैंड वॉश वगैरह करके ही आप अंदर जाओ, हैंड वॉश करके ही आप खाना खाओ, क्यों? क्योंकि हमारे हाथों पे सैकड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ओके। इसीलिए आपको बोला जाता है कि हैंड वॉश करना है, खाने पीने से पहले हैंड वॉश करना है, बाहर से जैसे आप अंदर घर में आते हो तुरंत हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एनवायरनमेंट में अपने आप ही एग्जिस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं। देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ठीक है, यानी कि हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे बीच में क्या तालमेल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, यानी कि हमारी जीविका में, हमारे सर्वाइवल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, उनमें से कुछ तो हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस, ठीक है। यानी कुछ तो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और उनकी वजह से हमें बीमारियां भी होती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, आओ हम उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त की तरह काम करते हैं, यानी जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है डिफरेंट टाइप के टास्क के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड केक, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस किस लिए यूज किया जाता है? कर्ड बनाने के लिए, ठीक है, जो हम अपनी दही बनाते हैं दूध से, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज, यानी कि बहुत टाइम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जा रहा है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, ठीक है। इनको जो है अपने एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और फीसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जैसे कि हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, यानी जो हमारी वेजिटेबल्स की पील्स उतरती है, जो हमारे सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, या फिर हमारे एनिमल का वेस्ट होता है, एनिमल के वेस्ट जो होते हैं एंड फीसेस, इन सबको ब्रेक डाउन किया जाता है कुछ हार्मलेस, ठीक है, यानी कि जिनका कोई हार्म नहीं होता, जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, ओके। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो बैक्टीरिया को और किस लिए यूज किया जाता है? मेडिसिन को प्रिपेयर करने में भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी कुछ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, किस लिए यूज होता है? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती कैसे है? नाइट्रोजन फिक्सिंग के थ्रू। और नाइट्रोजन फिक्सिंग करता कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, जो लगभग किसके उसमें रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ठीक है, यानी कि हमने ये तो बता दिया कि कर्ड को और ब्रेड को प्रिपेयर करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स का। अब बताया गया है कि यूज करते कैसे हैं, ठीक है, यानी बनाते हम कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं। तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इंटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि मिल्क को हम किस में बदलते हैं, कर्ड में, दही बनाते हैं हम दूध की, किसके द्वारा बनाते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। पहली क्या कह रही है, आई सा दैट माई मदर एडिड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे एंड आई वंडर व्हाई। यानी मैंने अपनी मॉम को देखा है, कुछ थोड़ी सी कर्ड उन्होंने हल्के से गर्म दूध में मिलाई, ठीक है, क्या करने के लिए, दही बनाने के लिए, फॉर द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे के लिए दही बनाने के लिए मेरी मॉम ने थोड़े से वार्म मिल्क में उन्होंने क्या मिलाया, थोड़ी सी दही को मिक्स किया। एंड आई वंडर व्हाई, मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ऐसे उन्होंने किया। तो क्या होता है कि कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दही में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, कभी देखना अगर चांस मिले तो, ट्राई करना माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करके देखना, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं दही में, बैक्टीरिया होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, और बैक्टीरिया होता है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, सिर्फ एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ओके, यही इसी की वजह से क्या होता है कि दूध जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इंटू कर्ड। ये क्या करता है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है मिल्क में और किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया को और भी यूज किया जाता है किस किस में, चीज बनाने में, अचार बनाने में और अदर फूड आइटम्स बनाने में। एंड इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ रवा, मतलब सूजी का जो इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट होता है और क्या होता है, इडली और भटूरा इज कर्ड। देखो जो रवा इडली होती है ना, रवा किसको बोलते हैं, सूजी को, यानी कि सूजी से बनी जो इडली होती है और भटूरा, इन दोनों का भी मेन इम्पोर्टेंट आइटम कौन सा होता है, दही होती है, ठीक है, यानी इनका जो आटा हम लगाते हैं ना, इनका जो बैटर वगैरह बनाया जाता है, भटूरों का आटा बनाया जाता है, वो किसके उससे बनाया जाता है, वो दही से ही बनाया जाता है, ठीक, जिसको थोड़ी देर रख देने से वो फ्लफी फ्लफी सा हो जाता है। कैन यू गैस वाई, तो तुम सोच सकते हो क्यों। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। देखो ये रहा बैटर जो हम बनाते हैं ना, इडली का और डोसा का, ये है वो बैटर। तो बैक्टीरिया और यीस्ट को भी, दोनों ही हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, जो हम राइस से इडली बनाते हैं और डोसा का, राइस इडली और डोसा का जो हम बैटर बनाते हैं उनकी फर्मेंटेशन के लिए, ये दोनों ही क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। होता क्या है, दही का फॉर्मेशन होता कैसे है, कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जो हमारा दूध होता है ना, दूध में एक लैक्टोज नाम की शुगर होती है, ठीक है, और इस लैक्टोज शुगर को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस में चेंज कर देता है, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं दही, वो यानी कि एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, वो एक प्रोटीन का रूप ले लेता है। ओके, समझ आया, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ एक्टिविटी दी हुई है करने के लिए, तो आपको क्या करना है, टेक हाफ के जी फ्लोर, यानी आटा और मैदा, आपको हाफ के जी आटा लेना है या फिर मैदा भी आप ले सकते हो, ठीक है, एंड एड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और आपको फिर कुछ शुगर उसमें ऐड करनी है और थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गर्म आपको पानी उसमें मिक्स कर देना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ, ठीक है, और फिर आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिक्स कर देना है और अब उसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है, आपको आटा गूंथ लेना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, तो आपको 2 घंटे के बाद इसमें क्या देखने को मिलेगा, डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि आटा जो है ना वो बिल्कुल
फ्लफी सा हो जाएगा और ऊपर ऊपर की मतलब ऊपर साइड में वो फूल जाएगा। देखो ये, देखो ये आपका आटा हो गया ना फ्लफी, हमने लगा के रखा था ये ऐसे, लेकिन 2 घंटे बाद जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो कैसा हो गया हमारा आटा, देखो फ्लफी फ्लफी सा हो जाता है। ओके अभी नेक्स्ट, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाई ऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या होता है कि जो हमने यीस्ट का पाउडर उसमें डाला था ना, यीस्ट जो है बहुत तेजी से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के थ्रू, जिससे बबल्स ऑफ गैस फिल डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें गैस की बबल्स फिल हो जाती हैं उस डफ में, उस आटे में जो हमने गूथ के रखा है उसमें गैस की बबल्स बन जाती हैं और उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से वो फ्लफी फ्लफी सा हो जाता है। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड पेस्ट्रीज एंड केक्स। और यही एक बेसिक फॉर्मूला होता है इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में क्या करने का, ब्रेड को बनाने का, पेस्ट्री बनाने का और केक बनाने का। ठीक है, बेकिंग इंडस्ट्री का यही एक बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड वो क्या करते हैं, केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं और पेस्ट्रीज बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल यूज क्या होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज क्या क्या होते हैं, देखो क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर दी लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, लार्ज स्केल पर जो हम उनको यूज करते हैं कॉमर्शियल, कॉमर्शियली जो हम उनको लार्ज स्केल पर यूज करते हैं, किस किस लिए, एल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए, वाइन का और एसिटिक एसिड का, विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं ना, सिरका बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 3 4 चीजें बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, कॉमर्शियली यूज करते हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट को यूज किया जाता है किस लिए, एल्कोहल के और वाइन के प्रोडक्शन के लिए। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हाइट राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस इत्यादि। इस पर्पज के लिए क्या होता है कि यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। ठीक है, यीस्ट कहाँ पे ग्रो करती है, नेचुरल शुगर के ऊपर वो ग्रो करती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्रेन्स में, जो हमारे अनाज होते हैं ना। ठीक है, जैसे बार्ले, बाजरा होता है, गेहूं है, चावल है। ठीक है, और कुछ जो पिसे हुए फ्रूट जूस होते हैं, क्रस्ट फ्रूट जूस जो होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर यीस्ट बहुत जल्दी से ग्रो करता है इनकी शुगर में। नेक्स्ट आपको दी हुई है एक एक्टिविटी दी है करने के लिए, आपको क्या करना है, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वॉटर। आपको क्या करना है, आपको एक पहले 500 ml का बीकर ले लेना है, जिसको आपको थोड़े से पानी से भर लेना है उसको। ठीक है, एंड डिजोल्व 2-3 टी स्पून ऑफ शुगर इन इट। यानी कि आपको जो पूरा आपको उस बीकर का तिहाई हिस्सा फुल कर लेना है, किसके साथ, वॉटर के साथ। ओके, एंड फिर उसमें क्या डिजोल्व करना है आपको, उसमें 2 या फिर 3 चम्मच आपको शुगर की उसमें ऐड करनी है। ऐड 1/2 स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू दी शुगर सॉल्यूशन। अब आपको उस शुगर के सॉल्यूशन में क्या ऐड करना है, 1/2 चम्मच यीस्ट की, आप यीस्ट पाउडर जो होता है ना, आपको 1/2 चम्मच क्या करना है, यीस्ट पाउडर का ऐड करना है। एंड कीप इट कवर्ड इन अ वॉर्म प्लेसेस फॉर 4 to 5 आवर्स। और अब आपको उसको रख देना है, एक गर्म जगह पे रख देना है आपको, कितनी देर के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए आपको उसको रख देना है। एंड नाउ स्मेल दिस सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन की स्मेल चेक करनी है, कैन यू गेट अ स्मेल, तो आपको कोई स्मेल दिखी उसमें, जब आपने उसको 4 5 घंटे बाद ऑब्जर्व किया तो चेक करना कि आपको उसमें कोई स्मेल लगी क्या। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इन टू एल्कोहल बाय यीस्ट। ये जो स्मेल आती है ये किस चीज की होती है, ये एल्कोहल की होती है। क्यों, क्योंकि जो है शुगर को यीस्ट ने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखा,
हर जगह क्या होता है, शुगर ही उसमें कन्वर्ट होती है, दही बनती है तब भी शुगर ही कन्वर्ट हो रही है, और अभी अल्कोहल बन रहा है तब भी शुगर ही कन्वर्ट हो रही है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, पहले उसमें कन्वर्जन ऑफ शुगर किसमें, इनटू लैक्टिक एसिड, तो वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और जब कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल तो ये क्या है, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन दिया किसने था, लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। 1857 में फर्मेंटेशन दिया था लुईस पाश्चर ने। ओके, तो आज मेडिसिनल यूज भी कर लेते हैं। चलो अभी मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हेनेवर यू फॉल इल, द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, जब भी तुम बीमार होते हो तो डॉक्टर तुम्हें क्या देता है, तुम्हें कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट दे देता है वो, ठीक है, या फिर कैप्सूल्स और इंजेक्शन देता है, जिसमें क्या होता है, पेनिसिलिन एक मेन होता है। ठीक है, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये एंटीबायोटिक बनती किसके थ्रू है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनती है, यानी जिसको आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया के थ्रू बनती है। एंड दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि ये जो मेडिसिन होती हैं, ये क्या कर देती है, जो आपकी बॉडी में जब आप बीमार हो, ठीक है, आप बीमार किसके थ्रू हुए हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुए हो, ठीक है, और जब आप ये एंटीबायोटिक ले लोगे तो ये एंटीबायोटिक जाके आप में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्रोडक्शन होगा या फिर जो ग्रोथ होगी उसकी, उसको किल कर देगा, ये उसको स्टॉप कर देगा जाके। ठीक है, यानी जो आपकी बीमारी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को ये एंटीबायोटिक जाके स्टॉप कर देगी, तो आपकी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सच मेडिसिंस आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और इन्हीं मेडिसिंस को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। और इन दिनों क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जा रही है किस किस से, बैक्टीरिया से और फंजाई से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ दी, यानी आपको याद रखने हैं कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, एक टेट्रासाइक्लिन होता है और एरिथ्रोमाइसिन होती है। ठीक है, तो इन एंटीबायोटिक्स के नाम याद रखना, आर सम ऑफ दी कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये तीन एंटीबायोटिक्स हैं जो किससे बनती हैं, फंजाई से और बैक्टीरिया से बनती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैनुफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। तो क्या होता है कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये मैनुफैक्चर की जाते हैं, यानी इनको प्रोड्यूस किया जाता है कैसे, बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा के, प्रोड्यूस करा के इन एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज, और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए इनको यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स को इवन किस किस के साथ मिक्स किया जाता है, किसके खाने के साथ, लिव स्टॉक क्या होता है, लिव स्टॉक होता है जो हमारे पशुधन होते हैं ना, जिनको हम पालते हैं अपने घर पे, एनिमल्स को, उनको लिव स्टॉक बोलते हैं, लिव स्टॉक। एंड पोल्ट्री क्या होता है, मछली पालन। ठीक है, तो उनके खाने में भी हम क्या मिक्स करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर देते हैं उनके भोजन में भी, क्या करने के लिए, चेक होता है स्टॉक। ठीक है, यानी माइक्रोबायल इन्फेक्शन को, एनिमल्स में माइक्रोबायल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम उनके खाने में भी क्या ऐड कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स को ऐड कर देते हैं, ताकि वे भी जल्दी से कोई बीमारी को कैच ना करें। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज। ठीक है, और कुछ एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए भी। हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी है, ये क्या बताया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं पहले।
In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. ठीक है, Alexander Fleming जो है 1929 में क्या कर रहे थे, वो जो disease-causing bacteria होते हैं ना, यानी वे bacteria जिसकी वजह से हमें harm होता है, जिसकी वजह से हमें disease cause होता है, तो उनके कल्चर पे वो वर्क कर रहे थे. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. तो अचानक से उनको क्या मिलता है, उनको कुछ ग्रीन छोटे छोटे ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स दिखाई देते हैं उनकी एक कल्चर वाली प्लेट में. तो ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, और उन्होंने क्या देखा कि जो मोल्ड प्रेजेंट थे ना, उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया. जो मोल्ड ने ग्रो मोल्ड भी तो क्या है, एक मोल्ड भी तो एक बैक्टीरिया ही है ना. तो आपको वही बात बताई गई है कि कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करा के हम दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं. तो उन्होंने यही देखा कि जैसे जो मोल्ड ग्रो किया था उनकी एक प्लेट में, उसने क्या रोक दिया था, उसने कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड द मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया. इनफैक्ट इसने कुछ बैक्टीरिया को तो मार भी दिया था. तो फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो इसी से क्या हुआ था, फ्रॉम दिस इसी से मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर, यही एंटीबायोटिक को प्रिपेयर किया गया था. ओके, नेक्स्ट, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. ठीक है, ये चीज याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर के एडवाइस के थ्रू ही हमें लेना चाहिए, हमें खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, उसके हार्म्स भी हो सकते हैं. ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड बाई द डॉक्टर. और जो आपको पूरा कोर्स बताते हैं डॉक्टर, जो आपको पूरा कोर्स बताते हैं आपको, वो ऑफकोर्स कम्प्लीट करना चाहिए. इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स वैन नॉट नीडिड और इन रॉन्ग डोजेज, देन इट मे मेक दी ड्रग लेस इफेक्टिव वैन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. तो ये क्या करें, अगर आप एंटीबायोटिक्स को बहुत ज्यादा ही मात्रा में लेते हो, ठीक है, आप उसकी या तो कोई रॉन्ग डोज ले लेते हो या तो फिर आपको बहुत ज्यादा ले लेते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, ये आपके लिए उस टाइम पे बहुत कम इफेक्टिव हो जाता है जब आपको बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक की जरूरत होगी. ठीक है, सपोज करो आप पहले से ही बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खा रहे हो, इसीलिए आपको मना किया जाता है कि जो छोटे मोटे दर्द होते हैं बॉडी में या छोटी मोटी बीमारी होती है, आप उसमें तुरंत एंटीबायोटिक्स खा लेते हो. तो उसमें तुरंत एंटीबायोटिक्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो फिर जिस टाइम हमारी बॉडी को ज्यादा एंटीबायोटिक्स की जरूरत होगी, तब आपकी बॉडी पर वो ज्यादा एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत टाइम से ऑलरेडी ही ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा रहे हो. ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि पहले से जितना कम आप हो सके उतनी कम एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए. ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ही एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है, तो वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी पर काम कर सके. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल दी बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन दी बॉडी. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स को बिना जरूरत के ही लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, उसकी वजह से वे भी किल हो सकते हैं. ओके, एंटीबायोटिक्स हाउ एवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस. ठीक है, और जब हमें वायरस के थ्रू क्या क्या होता है, कोल्ड होता है या फिर फ्लू होता है, ये हमें किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है, तो उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स जो है इफेक्टिव नहीं होती, उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स किसके लिए काम करती है, जो बैक्टीरिया कॉजिंग डिसीज होते हैं उनके लिए काम करती है. और कोल्ड और फ्लू किसके थ्रू हो रहे हैं, वायरस से हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं करेगी, ये लेस इफेक्टिव होती है उस टाइम पे. तो आज हम यहीं तक करते हैं. ठीक है, इसके बाद हम वैक्सीन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. अगर आए तो इफ यू लाइक माई वीडियो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. प्लीज इसमें कंजूसी मत कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर